हेलो एवरीवन, वेलकम टू TSN एजुकेशन चैनल। टुडे वी विल डू क्लास 7th हिस्ट्री चैप्टर 3rd द दिल्ली सुल्तान्स पेज नंबर 41 पार्ट 5 फिफ्थ वीडियो ये है। अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। अलाउद्दीन खलजी। दिल्ली वॉज अटैक ट्विस्ट। दिल्ली पर 2 टाइम्स अटैक किया गया इन 1299 टू 1300 एंड 1302 टू 1303। दिल्ली पर 2 टाइम्स अटैक किया गया था। एज अ डिफेंसिव मेजर, अपने डिफेंसिव मेजर में अलाउद्दीन खलजी रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी। अलाउद्दीन खलजी ने एक लार्ज आर्मी स्टैंड की थी, एक लार्ज आर्मी खड़ी की थी। अलाउद्दीन खलजी अ न्यू गैरिसन टाउन नेम सिरी और हिज सोल्जर्स। अलाउद्दीन खलजी ने अपने सोल्जर्स के लिए एक न्यू गैरिसन टाउन्स बनाया था जिसका नाम था सिरी। द सोल्जर्स हैड टू बी फेड। दिस वॉज डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट एज टैक्स फ्रॉम लैंड्स बिटवीन द गंगा एंड यमुना। गंगा अपने सोल्जर्स को फेड करने के लिए गंगा और यमुना कि जो लैंड्स थी वहाँ से प्रोड्यूस होने वाली जो भी थिंग्स होती थी उसको टैक्स की तरह कलेक्ट किया जाता था, फिर सोल्जर्स तक दी जाती थी। टैक्स वॉज फिक्स्ड एट 50% ऑफ द पीजेंट्स यील्ड। पीजेंट्स से जो भी प्रोड्यूस हो रहा है उसका 50% टैक्स की तरह लिया जाना फिक्स था। द सोल्जर्स हैड टू बी पेड। अलाउद्दीन चूज टू पे हिज सोल्जर सैलरीज इन कैश रेदर देन इक्ताज। सोल्जर्स को पे करने के लिए अलाउद्दीन खलजी ने सोल्जर्स को कैश सैलरी पे करना चूज़ किया इक्ताज के बदले में। इक्ताज की बजाय उन्होंने जो सोल्जर्स थे उन्हें कैश जो सैलरी पे की थी, पे करते थे। द सोल्जर्स वुड बाय देयर सप्लाइज फ्रॉम मर्चेंट इन दिल्ली एंड इट वॉज दस फियर्ड दैट मर्चेंट्स वुड रेज देयर प्राइजेज। सोल्जर्स अपने सप्लाईज के लिए जो दिल्ली के मर्चेंट से अपनी सप्लाईज लेते थे, जो भी उन्हें बाय या सेल करना होता था वे दिल्ली के मर्चेंट से करते थे, बट उनके मन में एक फियर जो था कि जो मर्चेंट्स हैं वो थिंग्स के प्राइजेज रेज ना कर दें, थिंग्स के जो प्राइजेज हैं वे बढ़ा ना दें। टू स्टॉप दिस, इसको रोकने के लिए अलाउद्दीन कंट्रोल द प्राइजेज ऑफ गुड्स इन दिल्ली। अलाउद्दीन खलजी ने दिल्ली की जो भी गुड्स थी उनकी प्राइजेस को कंट्रोल कर दिया था। प्राइजेस वर केयरफुली सर्वेड बाय ऑफिसर। प्राइजेस जो हैं वो ली जा रही हैं या नहीं इसके लिए ऑफिसर्स सर्वे करते थे। एंड मर्चेंट्स हु डिड नॉट सेल एट द प्रिस्क्राइब रेट्स वर पनिश्ड। कुछ मर्चेंट जो कि प्रिस्क्राइब जो रेट है उससे भी ज़्यादा अगर वे लेते थे तो उन्हें पनिश किया जाता था। अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र वर क्वाइट सक्सेसफुल। अलाउद्दीन के जो मेज़र सक्सेसफुल थे। एंड क्रॉनिकल्स प्रेज्ड हिज रेन फॉर इट्स चीप प्राइसेस एंड एफिशिएंट सप्लाईज ऑफ गुड्स इन द मार्केट। अलाउद्दीन के जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेज़र थे वे सक्सेसफुल थे और क्रॉनिकलर्स जो भी इतिहासकार हैं उन्होंने प्रेज किए कि किस तरह से मार्केट में चीप थिंग्स के चीप प्राइसेस थे और एफिशिएंट सप्लाई थी, काफ़ी अच्छी सप्लाई थी और जो थिंग्स थी उनके प्राइजेस भी फिक्स थे। ही सक्सेसफुल विद स्टूड द थ्रेट ऑफ मंगोल इन्वेंशन। और किस तरह से उन्होंने मंगोल्स का पर जो अटैक किया था वह भी किस तरह से सक्सेसफुल रहा है इसका उन्होंने क्रॉनिकल्स जो थे उन्होंने इसकी एडमायर किया है इसे। सेकंड जो है आपके मोहम्मद तुगलक। मोहम्मद तुगलक अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रेन। मोहम्मद तुगलक के अर्ली ईयर्स के रेन के अर्ली ईयर्स में द मंगोल आर्मी वॉज डिफीटेड। जो मंगोल आर्मी थी वह डिफीट हो गई थी। मोहम्मद तुगलक वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ हिज आर्मी। मोहम्मद तुगलक जो थे वे अपने आर्मी की स्ट्रेंथ से काफ़ी कॉन्फिडेंट थे और उनके पास जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे उससे वे काफ़ी कॉन्फिडेंट थे। हैड टू प्लान एन अटैक ऑन ट्रांस ऑक्सियाना, इसलिए उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर अटैक करने का प्लान किया। ही देयरफॉर रेज्ड अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी, इसके लिए उन्होंने एक लार्ज आर्मी स्टैंड की, एक लार्ज आर्मी तैयार की। रेदर देन कंस्ट्रक्ट
कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू गैरिसन टाउन, न्यू गैरिसन जो टाउन कंस्ट्रक्ट किए जा रहे थे, द ओल्डेस्ट ऑफ द फोर सिटीज ऑफ दिल्ली, दिल्ली एक कोना वॉज एम्प्टीड ऑफ इट्स रेजिडेंट्स एंड द सोल्जर्स गैरिसन टाउन, जो गैरिसन टाउन बनाए जा रहे थे, न्यू गैरिसन टाउन बनाने के लिए ओल्ड सबसे जो फोर सिटीज़ में ओल्डेस्ट जो सिटी है दिल्ली, दिल्ली कुना के नाम से जिसे जाना जाता था, वहाँ के जो भी रेजिडेंट्स थे उन्हें वहाँ से हटा दिया गया था और सोल्जर्स गैरिसन देयर और वहाँ पर सोल्जर्स को रखा गया था, जो सोल्जर्स थे उनकी वहाँ पर छावनी बना दी गई थी। द रेजिडेंट्स ऑफ द ओल्ड सिटी वर सेंट टू द न्यू कैपिटल ऑफ दौलताबाद इन साउथ, और जो रेजिडेंट्स थे वहाँ के जो निवासी थे ओल्ड सिटी के, उन्हें न्यू कैपिटल दौलताबाद जो कि साउथ में है वहाँ पर भेज दिया गया था। प्रोड्यूस फ्रॉम सेम एरिया वॉज कलेक्टेड एज टैक्स टू फीड द आर्मी, आर्मी को फीड करने के लिए सेम एरिया से जो भी प्रोड्यूस होता था उसे कलेक्ट टैक्स की तरह कलेक्ट करके और फिर आर्मी को दिया जाता था। बट टू मीट द एक्सपेंस ऑफ मेंटेनिंग सच अ लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स, बट लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स जो आर्मी थी उसके नीड्स को फुलफिल करने के लिए कुछ एडिशनल टैक्सेस भी लगाए गए थे। दिस कंसिडर्ड विद फेमिन इन द एरिया, और उसी टाइम पीरियड में वहाँ पर उस एरिया में एक फेमिन एक अकाल भी पड़ा था। मोहम्मद तुगलक ऑल्सो पेड हिज सोल्जर्स कैश सैलरी, मोहम्मद तुगलक भी यहाँ पर एक कंपैरिजन बताया गया है अलाउद्दीन खालजी और मोहम्मद तुगलक के बीच में कि उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, वे अपने सोल्जर्स को कैसे सैलरी पे करते थे। सोल्जर्स कैश सैलरी, मोहम्मद तुगलक भी अपने जो सोल्जर्स थे उन्हें कैश सैलरी देते थे, बट इंस्टीड ऑफ कंट्रोलिंग प्राइजेज ही यूज अ टोकन करेंसी, बट उन्होंने जो थिंग्स की प्राइजेस को कंट्रोल करने के बजाय उन्होंने टोकन जो करेंसी थी उसे स्टार्ट किया। समवॉट लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, आज जो हमारे पास पेपर करेंसी होती है उसी की तरह ये भी टोकन करेंसी थी। बट मेड आउट ऑफ चीफ मेटल्स नॉट गोल्ड एंड सिल्वर, बट ये जो टोकन करेंसी बनाई गई थी ये चीप मेटल्स को यूज़ करके बनाई गई थी, इसमें गोल्ड या सिल्वर नहीं होता था। पीपल इन द 14th सेंचुरी डिड नॉट ट्रस्ट दीज कॉइन्स, जो 14th सेंचुरी के पीपल थे वे इन कॉइन्स पर ट्रस्ट नहीं करते थे। दे वर वेरी स्मार्ट, वे काफ़ी स्मार्ट थे। दे सेव देयर गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स एंड पेड ऑल देयर टैक्सेस टू द स्टेट विद इट दिस टोकन करेंसी, वे जितने गोल्ड और जो सिल्वर कॉइन्स को टैक्सेस पे करने के लिए यूज़ नहीं करते थे वे गोल्ड और सिल्वर को अपने पास सेव रखते थे और जो भी टैक्स हैं उन्हें पे करने के लिए वहाँ की जो लोकल करेंसी थी टोकन करेंसी स्टेट की उसे यूज़ करते थे। दिस चीप करेंसी कुड ऑल्सो बी काउंटरफेटेड ईजीली, इस करेंसी को आसानी से इसका जाली रूप भी बनाया जा सकता है। मोहम्मद तुगलक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स वर अ फेलर, मोहम्मद तुगलक के जो प्रशासनिक जो मेजर्स थे वे फेलर थे, वे सक्सेस मोहम्मद तुगलक अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सक्सेसफुल नहीं रहे थे। हिज कैंपेन इनटू कश्मीर वाज अ डिज़ास्टर, उनका कैंपेन जो कि कश्मीर के लिए था वो एक डिज़ास्टर था, वहाँ पर उन्हें सक्सेसफुल नहीं रहा था। देन ही देन गेव अप हिज प्लान्स टू इन्वेड ट्रांस ऑक्सियाना, इसीलिए उन्होंने ट्रांस ऑक्सियाना पर कंट्रोल करने का जो प्लान था उसे गेव अप कर दिया था। एंड डिसबैंडेड हिज लार्ज आर्मी, और अपनी जो लार्ज आर्मी थी उसे डिसबैंड कर दिया था, उसे ख़त्म कर दिया था या भंग कर दिया था। मीनवाइल हिज एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशंस, उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे वहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट होते जा रहे थे। द शिफ्टिंग ऑफ पीपल टू दौलताबाद वॉज रिसेंटेड, जो शिफ्टिंग की गई थी दौलताबाद, वहाँ के जो पीपल थे वे काफ़ी रिसेंटेड थे, वे नाराज़ थे मोहम्मद तुगलक से। द रेजिंग ऑफ टैक्सेस एंड फेमिन इन द गंगा यमुना बेल्ट लेड टू वाइड स्प्रेड रेबेलियन, एक तो टैक्सेस के रेज होने पर टैक्सेस के बढ़ने के कारण और गंगा यमुना जो दोआब है गंगा यमुना बेल्ट पर फेमिन होने के कारण अकाल पड़ जाने के कारण एक वाइड स्प्रेड रेबेलियन हुआ था, एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ, सभी दूर जो
एक रेबेलियन, एक विद्रोह स्टार्ट हुआ था एंड फाइनली द टोकन करेंसी हैड टू बी रिकॉल्ड, और मोहम्मद तुगलक ने टोकन करेंसी को फिर से ले लिया था. इन दिस लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक्स फेलर वी समटाइम्स फॉरगॉट दैट फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, मोहम्मद तुगलक की इन फेलर्स में कई बार हम समटाइम्स फॉरगेट, हम यह भूल जाते हैं कि द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, पहली बार हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत की हिस्ट्री में अ दिल्ली सुल्तान प्लांट अ कैंपेन टू कैप्चर मंगोल टेरिटरी, एक दिल्ली सुल्तान ने मंगोल टेरिटरी को कैप्चर करने के लिए एक प्लान, एक कैंपेन स्टार्ट किया था. अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर, अलाउद्दीन जो थे उनका डिफेंसिव मेजर तो था, उनका जो प्रतिरक्षा जो बल था वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, उनके डिफेंसिव मेजर थे. मोहम्मद तुगलक मेजर वर कंसीव्ड एज अ पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव, और जो मोहम्मद तुगलक का मेजर थे वे मिलिट्री ऑफेंसिव थे मंगोल्स के अगेंस्ट. मंगोल जो थे उनके अगेंस्ट किस तरह से मिलिट्री कैंपेन किए गए इसके लिए मोहम्मद तुगलक के मेजर स्ट्रॉन्ग थे. द सल्तनत इन द 15th और 16th सेंचुरी में सल्तनत, टेक अ लुक एट टेबल वन अगेन, एक टेबल को फिर वन को फिर से देखिए. यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक्स द सैयद एंड लोधी डायनेस्टी रूल फ्रॉम दिल्ली एंड आगरा. आप नोटिस कीजिए कि तुगलक और सैयद जो थे लोधी डायनेस्टी दिल्ली और आगरा पर 1526 से लोधी डायनेस्टी रूल कर रही थी, बट देन जौनपुर, उसके बाद जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान एंड द इंटायर साउथ इंडिया हैड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु एस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट्स एंड प्रॉस्पेरस कैपिटल्स. जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान और पूरे साउथ इंडिया के जो भी रूलर्स थे उन्होंने, वे इंडिपेंडेंट रूलर्स बन गए थे और उन्होंने अपने स्टेट्स इस्टेब्लिश किए थे और अपने कैपिटल्स को प्रॉस्पेरस समृद्ध किया था. दिस वॉज ऑल्सो द पीरियड विच सॉ द एमरजेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप्स लाइक द अफगान्स एंड राजपूत. यह वह टाइम पीरियड था जबकि न्यू जो रूलिंग ग्रुप्स हैं अफगान्स और राजपूत जो ग्रुप्स थे उनका एमरजेंस हो रहा था. सम ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश्ड इन दिस पीरियड वर स्मॉल बट पावरफुल. कुछ स्टेट्स जो इस्टेब्लिश हुए थे इस पीरियड में वे स्मॉल तो थे बट वे काफ़ी पावरफुल थे. एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्टर्ड, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन जो था वह काफ़ी अच्छे से चल रहा था. शेरशाह सूर 1540 to 1545, शेरशाह सूरी जिन्होंने कि 1540 से 1545 तक रूल किया, स्टार्टेड इस करियर एज द मैनेजर ऑफ स्मॉल टेरिटरी फॉर हिज अंकल इन बिहार एंड इवेंचुअली चैलेंज्ड एंड डिफीटेड द मुगल एम्परर हुमायूं 1530 to 1540, 1555 to 1556. जो शेरशाह थे उन्होंने अपना करियर एक स्मॉल टेरिटरी जो कि उनके अंकल की थी बिहार में, वहां से एक मैनेजर की तरह स्टार्ट किया था और उन्होंने मुगल एम्परर हुमायूं को चैलेंज भी किया और डिफीट भी किया 1530 से 40 में और 1555 से 56 में. शेरशाह कैप्चर्ड दिल्ली एंड एस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी. शेरशाह ने दिल्ली को कैप्चर किया और अपनी ओन डायनेस्टी एस्टेब्लिश की. ऑल्दो द सू डायनेस्टी रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स, केवल सू डायनेस्टी ने 15 ईयर्स तक ही रूल किया था 1540 to 1555. It introduced an administration that borrowed element from Alauddin Khalji and made them more efficient. उन्होंने जो administration के elements Alauddin Khalji के जो administration थे वहाँ से borrow किए थे and them more efficient, और वे काफ़ी efficient थे. शेरशाह administration become the model followed by the great emperor Akbar. शेरशाह के administration को के जो मॉडल था उसे ग्रेट एम्परर अकबर ने भी फॉलो किया था 1556 to 1605 में. व्हेन ही कंसोलिडेट द मुगल एम्पायर, जब वे मुगल एम्पायर को कंसोलिडेट कर रहे थे, ऑर्गेनाइज कर रहे थे, तब उन्होंने शेरशाह सूर के जो एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल था उसे फॉलो किया था. द थ्री ऑर्डर्स द पीस ऑफ गॉड, नाइट्स एंड द
crusades. The idea of the three orders, the first formulated in France in the early 11th century. Three orders का जो idea, यह first 11th century में France से आया था. It divided society into three classes. इसमें society को three classes में divide किया गया था. Those who prayed, एक तो जो प्रे करते हैं, those who fought, जो युद्ध करते हैं, those who tilled the land. थर्ड ग्रुप वो है जो कि लैंड को टिल करता है, खेती का काम करने वाले फार्मर्स. दिस डिवीज़न ऑफ सोसाइटी इनटू थ्री ऑर्डर्स वॉज सपोर्टेड बाय चर्च टू कंसोलिडेट इट्स डोमिनेंट रोल इन सोसाइटी. इस डिवीज़न को चर्च जो था ये सोसाइटी का, थ्री ऑर्डर्स का, इसे चर्च भी सपोर्ट करते थे अपना सोसाइटी में एक डोमिनेंट रोल के लिए, एक प्रभाव बनाने के लिए, इन्फ्लुएंस के लिए वे लोग इसे सपोर्ट करते थे थ्री ऑर्डर्स को. दिस हेल्प द एमरजेंस ऑफ अ न्यू वैरियर ग्रुप कॉल्ड नाइट्स. इसी कारण एक न्यू वैरियर ग्रुप आया था जिसे कि नाइट्स कहा जाता था. द चर्च पैट्रोनाइज दिस ग्रुप एंड यूज देम टू प्रोपेगेट देयर आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड. चर्च इन ग्रुप्स को, जो नाइट वैरियर ग्रुप है नाइट्स, इन्हें पैट्रोनाइज करते थे, इन्हें संरक्षण देते थे और पीस ऑफ गॉड जो आइडिया है उसको प्रसार करते थे, उसका सभी और उसे स्प्रेड करते थे ईश्वरीय जो शांति का. द अटेम्प्ट वॉज टू डायरेक्ट वैरियर्स अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट अमंगेज देमसेल्व्स एंड सेंड देम इंस्टीड ऑन द कैंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु हैड कैप्चर्ड द सिटी ऑफ जेरूसलम. यहाँ पर इस अटेम्प्ट में डायरेक्ट जो वैरियर्स थे उन्हें आपसी जो कॉन्फ्लिक्ट, अमंगस जो कॉन्फ्लिक्ट है, आपसी जो टकराव है उससे दूर रहकर मुस्लिम्स के अगेंस्ट कैंपेन करना चाहिए जिन्होंने कि जेरूसलम सिटी पर अपना जेरूसलम सिटी को कैप्चर किया है या जेरूसलम सिटी पर कंट्रोल किया है. दिस लेड टू ए सीरीज ऑफ कैंपेन्स कॉल्ड द क्रूसेड्स. इसके बाद एक कैंपेन्स की सीरीज हुई जिसे कि क्रूसेड्स कहा जाता था, धर्म युद्ध कहा जाने लगा. दीज कैंपेन इन द सर्विस ऑफ गॉड, ये कैंपेन्स गॉड की सर्विस के लिए और चर्च के लिए थे. कम्प्लीटली ऑल्टर्ड द स्टेटस ऑफ नाइट्स, कि जिसमें कि नाइट्स के स्टेटस को बताया जा रहा था. ओरिजिनली दीज नाइट्स डिड नॉट बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स. ओरिजिनली इन नाइट्स को पहले नोबल्स की क्लास से बिलोंग नहीं माना जाता था, कि वे नोबल्स हैं इस तरह का उन्हें नहीं मानते थे. बट द एंड ऑफ 11th सेंचुरी इन फ्रांस, 11th सेंचुरी के एंड में फ्रांस में, एंड अ सेंचुरी लेटर इन जर्मनी, और बाद में जर्मनी में एक सेंचुरी के बाद हम्बल ओरिजिन ऑफ दिस वैरियर्स वर फॉरगॉटन, कि जो भी इन वैरियर्स थे ये अपने पास्ट को पूरी तरह से भूल चुके थे. बाय द 12th सेंचुरी नोबल्स ऑल्सो वॉन्टेड टू बी नोन एज नाइट्स. 12th सेंचुरी में नोबल्स को भी नाइट्स कहा जाता था, उन्हें नाइट्स की तरह जाना जाता था.